जालौन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पॉक्सो एक्ट में वांछित 10,000 का इनामी अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। जालौन पुलिस ने महीनों से चकमा दे रहे पॉक्सो एक्ट के 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध असलहा बरामद किया गया है। बता दें कि जालौन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसका आज अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 10,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा गया है, जिसके पास से एक अदद तमंचा व कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त अतुल पुत्र राम बाबू अहिरवार पर पहले से कई मुकदमे चल रहे हैं, जो काफी समय से फरार चल रहा था, जिसके पास से एक अदद तमंचा व कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार हुआ है सर, क्या पूरा मामला है और किस अपराध में यह वांछित? पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल से वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी और पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस के द्वारा एक 10,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया है, जो वर्ष 2019 से वांछित चल रहा था, फरार चल रहा था। इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था, 315 फुट का कट्टा और कारतूस के साथ यह अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। यह 63, 66, 36, 76 पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहा है।